ये जो बैठे हुए हैं ये दलाली का काम करते हैं, कोई भी जो स्ट्रीम मीडिया का चैनल हो, आप आज तक की बात कर लें, रजत शर्मा की बात कर लें, ये सब सिर्फ और सिर्फ चाटने का काम करते हैं। उन्होंने शायद चाटा नहीं होगा, इसलिए ये भड़ुआ अर्णव गोस्वामी इसने निकालने का काम किया होगा। लेकिन आप समझिए, आप जैसे ही स्वतंत्र पत्रकार आज यहाँ पर खड़े हैं और हम लोगों की आवाज जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार की आवाज को कभी रोका नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आई है। ब्रेकिंग न्यूज तो चार दिन पहले की है, लेकिन खुलासा आज हुआ है। अर्णव गोस्वामी ने अपने पत्रकार प्रदीप भंडारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन प्रदीप भंडारी ने, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लेकिन प्रदीप भंडारी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने निकाला नहीं है बल्कि हमने रिजिग्नेशन दिया। शौकत जी, क्या कहना है इसके बारे में? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? उस अर्णव गोस्वामी की हरामी, अर्णव गोस्वामी हराम के खाने वाला, दिन रात भजन करता है मोदी 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 हिंदू मुस्लिम करने वाला की बात करते हैं आप? वैसे पत्रकार को देशद्रोही मुकदमा करके NSA लगा के जेल में डालने की जरूरत है। और आपने बात कहा प्रदीप भंडारी की, आप देखिए ना, उस पत्रकार का पूरा देश विरोध करेगा, पूरे देश के लोग अभी तो रोड पर आ रहे हैं, उसके एंकर, उसको मारा जा रहा है, उसकी माइक छीना जा रहा है ना, आप देखते रहिए। ये जैसे देशद्रोही अर्णव गोस्वामी, जिसने हमारा जब देश का जवान शहीद हुआ था जश्न मनाता था, वैसी पत्रकार की बात करते हैं आप? दिन रात गाली गलौज करने वाला, हिंदू मुस्लिम करने वाला, देश के अन्नदाताओं को, पलनहार को आतंकवादी कहने वाला की बात करते हैं, उसके साथ पूरा देश थूकता है भारत, वो कहता है ना, पूछता है भारत, थूकता है भारत, उस पर मुतता है भारत, हकता है भारत, वैसे अर्णव गोस्वामी पर। और उसको अभी प्रदीप भंडारी ने छोड़ा है, पूरे देश के लोग छोड़ा नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि निकाल दिया उसको, निकाल फेंका। लेकिन मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, प्रदीप भंडारी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि उसने रिजाइन दिया है अपनी इज्जत बचाने के। अरे वो लात मार के भगाया है उसको, समझिए ना, अर्णव गोस्वामी जैसा हरामी आदमी जो देश का नहीं हो सका वो प्रदीप भंडारी का होगा, जो देश के सेना का नहीं हो सका उसका वो प्रदीप भंडारी का होगा, जो देश के आम नागरिक पलनहार अन्नदाता का नहीं हो सकता है वो देश का क्या होगा, देश का युवाओं का नहीं हो सकता है वो देश का क्या होगा, जो देश के असल सेना है, जवान है, उनकी जश्न मनाता है जब पुलवामा अटैक होता है तो उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है? वैसे वैसे पत्रकार को सलाखे के पीछे भेजने की जरूरत है, देशद्रोही NSA जैसी जो लगाकर उसको जेल में डालने की जरूरत है। आपको लगता है कि सरकार में उसके ऊपर ये सब हो पाएगा? ये सरकार सही बोल रहे हैं आप भाई साहब, आप जैसे पत्रकार जो सच्चाई दिखाएगा उसको ये जेल में ये सरकार डालेगी, जो सरकार का दलाली करेगा, चमचई करेगा, उसको देशभक्त पत्रकार कहा जाएगा, देश की अच्छी मीडिया कहा जाएगा। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है देश के न्यायपालिका पे, ऐसे जैसे लोग जो हिंदू मुस्लिम गाय गोबर बकरी सुअर दिन रात करते रहते हैं, देश की खूबसूरती को ख़त्म करते हैं, वो जेल में होंगे। अब बताइए ना, एक समय ऐसा था कि हम मुसलमान होके अपने घरों में बैठ कर माँ बहन के साथ टीवी पर रामायण देखते थे, हमारे देश के हिंदू भाई अपनी माँ बहन फैमिली के साथ बैठकर अलिफ लैला देखते थे, लेकिन कौन इसको खत्म कर दिया? देश में न्यायपालिका है, कानून है, उसको सजा देगी। लेकिन आप इसको धार्मिक रंग देने लगते हैं, हर चीज में हिंदू मुस्लिम, हर चीज में एक ऐसा समय आ जाएगा, हमको नहीं लग रहा कि ये भाजपा के लोग और ऐसे ऐसे पत्रकार को देश को और विभाजन कर देंगे। हमारा देश तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, पाकिस्तान को बंटवारा कर दिया गया, जिसको शौक था चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पल रहे हैं जिनको ये देश तोड़ना चाहते हैं, देश समझे, और वैसे वैसे लोगों को इस देश से भगाने की जरूरत है, जो देश की एकता की बात नहीं करेगा, देश में सुरक्षा की बात नहीं करेगा, देश के आम आवाम की बात नहीं करेगा, वो देश में ये रहने की जरूरत नहीं है। तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन? भाजपा के लोग कर रहे हैं, RSS के लोग कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, आर भारत चैनल कर रहा है, अर्णव गोस्वामी कर रहा है, और कौन? सुधीर चौधरी कर रहा है, जो आप देखिए ना मोबाइल में, टीवी में देखिए जाकर, दिन रात हिंदू मुस्लिम भजन करते रहता है। हमको ये नहीं पछता है कि अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा इसके पेट का पानी नहीं पचेगा। और ये कैसे घर में परिवार के लोग अपने मुंह दिखाते होंगे बहन बेटियों के साथ, जो जो देश की, आप बताइए ना, बजट आता है तो बजट में
ऐसे बताते हैं जैसे लग रहा है दुनिया में भारत में आजाद भारत का पहली ऐसी बजट आई है, ऐसी पहली बजट आई है ना जिसमें युवाओं की चर्चा है, ना महिलाओं की चर्चा है, ना युवाओं को रोजगार की बात है, ना किसानों की आय दुगनी करने की बात है, बल्कि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ गोदी मीडिया पत्रकार पत्तल चाट पत्रकार मोदी मोदी किए रहते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, इसका काम होता है देश में सच्चाई दिखाना। आज बताइए ना, ऐसे ऐसे पत्रकार हो गए हैं, देश में पत्रकार बांट दिए हैं कि रवीश कुमार कांग्रेस का हो जाएगा, सुधीर चौधरी बीजेपी का हो जाएगा, आप कांग्रेस के हो जाएंगे, फलाना बीजेपी के हो जाएंगे। ऐसा क्यों भाई? पत्रकार का काम होता है सच्चाई दिखाना, जो समाज में घटना घट रही है उन सब चीज़ों को दिखाना। लेकिन ये लोग अपने आप को बांट दिए हैं, ऐसे ऐसे पत्रकार को बैन करने की ज़रूरत है सरकार को। और वहाँ पर सीएम अभिसार शर्मा के ऑफिस पर अब बताइए ना, न्यूज़ चक्र पे छापा मार रही है सरकार, उसको बैन करना चाह रही है जो सच्चाई दिखाता है। वो आपको मारना है तो भाई मारिए आर भारत पर, अन्नम गोस्वामी का ऑफिस गिरा दीजिए जो हिंदू मुस्लिम करते रहता है, दिन रात देश तोड़ने की बात करता है, उसको बैन करिए ना भाई आप। देश अगर अब तो कहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस है कि तुम महाराष्ट्र में अन्नम गोस्वामी का शो बंद कर दो ताकि देश बच सके, अगर ये लोग बंद नहीं होगा तो देश को तोड़ देंगे। 24 आते आते आप देख लीजिएगा, चुनाव से पहले देश को ये लोग तोड़ देंगे। सर क्या कहना है, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने प्रदीप भंडारी को बाहर का रास्ता दिखाया, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लेकिन प्रदीप भंडारी ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उनको निकाला नहीं गया है बल्कि उन्होंने रिजाइन दिया है। हुकूमत तेरी है तो क्या हुआ, हुकूमत तेरी है तो क्या हुआ, मेरी आवाज़ गुलाम नहीं। अरे आर भारत ये तो गुलाम है, ये जो अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं तो भंडुआ है, ये एकदम गुलाम है। अरे जो प्रदीप जी होंगे शायद उन्होंने गुलामी और चाटने का काम नहीं किया होगा। सूत्रों के जो हवाले से आपके द्वारा आज मुझे भी पता चला, ये जो बैठे हुए हैं ये दलाली का काम करते हैं। कोई भी जो स्ट्रीम मीडिया का चैनल हो, आप आज तक की बात कर लें, रजत शर्मा की बात कर लें, ये सब सिर्फ और सिर्फ चाटने का काम करते हैं। उन्होंने शायद चाटा नहीं होगा, इसलिए ये भंडुआ अर्नब गोस्वामी इसने निकालने का काम किया होगा। लेकिन आप समझिए, आप जैसे ही स्वतंत्र पत्रकार आज यहां पर खड़े हैं और हम लोगों की आवाज जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार की आवाज को कभी रोका नहीं जा सकता है। आप मनदीप पुनिया की बात करिए, आपने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन मनदीप पुनिया एक स्वतंत्र पत्रकार था और उसे किसानों के प्रति और अपने देश के प्रति प्यार था, तो उसने पैरों में लिख के अपनी वो घटना जो जेलों में घटित हो रही थी हमारे किसान भाइयों के साथ, ऐसे पत्रकारों को तो सलाम है। लेकिन ये जैसे चंद बैठे हुए इन दलाल पत्रकारों के हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। जो 2014 से ये पत्रकार और मीडिया ये सिर्फ और सिर्फ देश में तोड़ने का काम कर रही है और तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। ये मौजूदा स्थिति ऐसा बना दिया गया है कि अगर एक कुत्ता मर जाए तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है। जो देश अखंडता एकता और संप्रभुता की मिसाल है, उस देश में ये पार्टी ने आके ऐसा घिनौना काम किया है कि हमारे और आपके प्यार को। अरे ये चौकत भाई जो बोल रहे थे ये मुस्लिम है, मैं ब्राह्मण हूँ, श्रवण पांडे मेरा नाम है, लेकिन जाके पूछ लीजिए, दोस्ती इतनी अच्छी रहती है। लेकिन ये सरकार यही हमें रहना नहीं देना चाहती है, लेकिन अब इस सरकार को जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लोग गांव से और सड़कों पर पहुंच जाते हैं तो वो आवाज दबाई नहीं जा सकती है। और ये सरकार इसको झुकना पड़ेगा, जो हमारे तीनों कानून हैं ये सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। जिस तरह प्रदीप भंडारी ने अर्नब के साथ मिलकर, रिपब्लिक भारत के साथ मिलकर रायता फैलाया पूरे देश में हिंदू मुसलमान किया, क्या उस पर आप प्रदीप भंडारी को माफ कर पाएंगे? माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको उसी दिन नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। अरे जो धर्म और कोई गाय और बकरी और इस सब के नाम पे जो वो करता हो, माफ उसे कोई नहीं करेगा। अरे वो पत्रकार है, उसको जमीन पे तो आना ही पड़ेगा। वो परिंदे हैं आसमान में उड़ते होंगे, लेकिन जमीन से ही उठ कर ऊपर उड़ पाते हैं आप। तो आपने जमीन में गंदगी फैलाई है, आपको ये देश कभी नहीं माफ करेगा। और अगर आप देश से माफी मांगना चाहते हैं तो आप अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए माफी अपने आप से मांग सकते हैं, लेकिन देश आपको कभी नहीं माफ करेगा। और इन जैसे गद्दारों को, ये हम युवा हुए या किसान हुआ या महिलाएं हुई, जो देश को तोड़ने का बात करेगा, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा कि देखा कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी
ने ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रदीप भंडारी को बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन इस पर सफाई देते हुए प्रदीप भंडारी ने एक ट्वीट किया है कि उनको हटाया नहीं गया है बल्कि उन्होंने रिज़ाइन दिया है। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।